to Canada? Yes, I do. I do want to go to Canada, my love. I want to come over. I feel like time for Jalisi was up. 1 week at least. We will have borders open. Inshallah, we will have land trip. Montreal, we will have our अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले मेरी YouTube फैमिली का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आके कमेंट्स किए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, मैं रीड कर रही थी मॉर्निंग में, और ये कि वीडियो को बहुत पसंद किया है सभी ने, तो उसका बहुत शुक्रिया। चलें भाई घूमना फिरना स्टार्ट करते हैं। और वैसे मुझे यही लग रहा है कि आप सब मेरे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे इंस्टाग्राम पे इस हवाले से बहुत मैसेजेस आए हैं कि आप जहाँ जहाँ जा रही हैं हमें ऐसा लग रहा है हम भी वहीं वहीं जा रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बहुत लोग तो बहुत शुक्रिया भी कर रहे थे कि सब कुछ जो आप शेयर कर रही हैं साथ साथ, तो वो सबको बहुत पसंद आ रहा है। खैर, सबसे पहले हम लोग गए बबल टी के लिए, और जब मैं पहले भी गई थी न्यूयॉर्क, आयशा ने ही सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराई बबल टी, और उस वक्त भी हमने काफ़ी फ्लेवर्स ट्राई किए। और इस बार भी हमने क्या ट्राई किया, मैंगो, हनी ड्यू, चॉकलेट, सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। आप लोग भी ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है बबल टी का, और ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिले, मैं भी ट्राई करूंगी और फिर आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पे कि मुझे कैसा लगा। फिर हमने बाय किया न्यूयॉर्क पिज्ज़ा, जो कि लाजमी सी बात है कि आप न्यूयॉर्क जाएं तो वहाँ का पिज्ज़ा ज़रूर खाएं, बहुत डिफरेंट होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और आयशा जब ड्राइव कर रही थी और हम सब तो खा ही रहे थे, तो फिर मैंने ही आयशा को खिलाया क्योंकि सभी को बहुत भूख लगी हुई थी। जस्ट हमने एक पिज्ज़ा जो है वो शेयर कर लिया क्योंकि हम अपना पेट ज़्यादा नहीं भरना चाह रहे थे, क्योंकि रात में हम लोग के और प्लान्स थे खाने के हवाले से। फिर ये कि हम लोग सब निकल गए जर्सी सिटी के लिए। पिज्ज़ा खाते खाते हम घर पहुँचे, और फिर शाम की चाय घर पे पी, फिर हम सब तैयार हुए। और ये जो अब आप देख रहे हैं क्लिप, तो ये हम सब एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं जर्सी सिटी। उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे काठी रोल खाना है, लास्ट टाइम भी उनको बहुत अच्छा लगा था, और पूरा टाइम हम टोरंटो में मिस करते रहे। इट्स हलाल और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो फिर सबसे पहले हम पहुंच गए काठी रोल के लिए, और ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं गॉथल्स ब्रिज, जो कि आपको लेके जाता है टुवर्ड्स जर्सी सिटी। अब हम लोग गुजरेंगे हॉलैंड टनल से, और ये अंडर वाटर है, यानी पानी ऊपर होगा और हम पानी के अंदर से गुजरेंगे। और काफ़ी लंबा था ये टनल, और ऐसा मैंने पहली बार दुबई में देखा था, वहाँ भी एक टनल है ऐसा। ये हम लोग पहुंच चुके हैं काठी रोल की शॉप पे, ऑर्डर हमने दिया हुआ था, और अब गाड़ी में हम सब वेट कर रहे हैं। हमें तो बहुत पसंद है। हमने ऑर्डर किया था, दो तीन टाइप के थे, लेकिन जो मैंने खाया था वो था चिकन विद एग, और बहुत अच्छा था। एक कीमे वाला भी होता है, और आई थिंक एक दो और भी हैं। सो आप भी अगर न्यूयॉर्क जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। Don't lie.
said that since Ali put so much. You like kati roll? काठी रोल के बाद ये लोग हमें लेके आए एक बड़ी यूनिक जगह पे। इसका जिक्र किया था पहले इन लोगों ने, बट लास्ट टाइम हमें मौका नहीं मिला। सो इसका नाम है राइस टू रिचेस। इट्स लाइक अ राइस पुडिंग, लाइक खीर, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खीर एक अपनी एक डिश है अपनी जगह, लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने एक स्पून लिया, दूसरा स्पून लिया, फिर तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। ये बहुत टेस्टी मीठा है, ज़रूर ट्राई करें अगर आप न्यूयॉर्क आएँ। और हमने तीन फ्लेवर्स लिए थे, मैंगो, चॉकलेट एंड कैरमल। मुझे सबसे ज़्यादा कैरमल अच्छा लगा और चॉकलेट। कितनी डिफरेंट चीज़ है। This one's so good. Tasty hai bhai. Acha kaun sa laga tenu? Sabse acha ye wala. Sabse acha ye wala. Hai na? This one. सबने जो है वो राइस पुडिंग खाई, बच्चों को भी भाई बहुत पसंद आई। और फिर हम लोग निकल गए टाइम्स स्क्वायर के लिए, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप न्यूयॉर्क आए और टाइम्स स्क्वायर ना जाएं। Hey guys, look, guys, look, look at the window. Look, Anaya, look, pink. अच्छा, यही है टाइम्स स्क्वायर का सब। नहीं, ये कहाँ से आ गया? आगे। Wow. Mama, look, it's so like. आ जाए। Look, Anaya. अच्छा, यही है टाइम स्क्वायर आ गया सर। अच्छा, और ये आगे है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क की एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है, और स्पेशली टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही एंटरटेनिंग है। बहुत रश होता है, बहुत बिजी जगह है ये। हर कोई अपनी धुन में मस्त कुछ ना कुछ यहाँ कर ही रहा होता है। बहुत सारे व्लॉगर्स तो यहाँ पे आपको अक्सर मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई कहीं पर डांस हो रहा है, कहीं पे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी है, और बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पर यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बहुत ही रौनक वाली जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है। टाइम्स स्क्वायर पे ना वक्त का पता ही नहीं चलता, और मुझे पर्सनली भी सिटी लाइफ और डाउनटाउन टाइप जो एरिया होता है मुझे वही पसंद है। और शायद उसका रीज़न ये भी है कि मैं पाकिस्तान में भी जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ, कराची, विच इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, तो वहाँ बहुत ही रौनक चहल पहल रहती है, तो शायद ये भी एक रीज़न हो। और मुझे वैसे कनाडा में भी जो टोरंटो का डाउनटाउन है ना, मुझे वही पसंद है। तो अगर आप, हो सकता है आपको शायद मैं वहाँ कभी नज़र भी आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। एनीवेज, हमने काफ़ी पिक्चर्स ली, कुछ वीडियोस बनाई, और फिर हम लोग घर चले गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगी आयशा से, सो आपने नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अब मैं आपके साथ एक न्यूयॉर्क का ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, सो उसको आपने मिस नहीं करना। वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। सो मैं जब न्यूयॉर्क में ही थी, तो मुझे एक न्यूयॉर्क बेस्ड ब्रांड ने रीच किया, जिसका नाम है टेडी ब्लेक,
और ये लोग बनाते हैं ओरिजिनल इटालियन लेदर के लग्जरी हैंड बैग्स जो कि हैंडमेड होते हैं। सो वो लोग ये चाहते थे कि मैं अपनी चॉइस का, अपने फेवरेट कलर का, अपने जो भी स्टाइल या कलर बैग का मुझे पसंद आए तो एक लग्जरी हैंड बैग मैं सेलेक्ट करूं और अपनी वीडियो में अपने फैंस के साथ मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ कि मुझे ये बैग कैसा लगा। सो अभी रिसेंटली ही ये मुझे मेल में रिसीव हुआ, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको अपनी YouTube फैमिली के साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगी और अपना ऑनेस्ट जो है ना वो रिव्यू भी दूँगी कि मुझे ये बैग कैसा लगा। तो आइए अब हम लोग मिलकर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये प्रीमियम इटालियन लेदर से बना हुआ है। सो देखते हैं कि ये कैसा है और पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस। ये इस तरह से बॉक्स में आया है, इसके बाद ये इस तरह से एक बैग के अंदर है। इसकी खोलते हैं टेपिंग। ये क्लॉथ का इसका बैग है और देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है टेडी ब्लेक न्यूयॉर्क। और इसको अब हम ओपन करते हैं लाइक दिस। ये देखिए, और इसमें से आप सब रेडी हैं इसमें से हम निकालते हैं बैग। अच्छा आप लोग गेस करें कि मैंने किस कलर का बैग मंगाया होगा। जी हाँ, तो जितने लोगों ने गेस किया ब्लैक तो उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इन लोगों ने ऑप्शन दिया था कि आप बैग को खुद सेलेक्ट करें एंड देयर यू गो। ओह माई गॉड, लुक एट दिस बैग। आई डोंट नो कि आपको वीडियो में ये इतना समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि रियल में ये बैग इतना खूबसूरत है। लिटरली यू कैन इन्जॉय द लग्जरी फील एंड यू कैन स्मेल रियल लेदर। अब मैं आपको क्विकली ये देखे पूरा दिखा देती हूँ। ये इसकी फ्रंट साइड लाइक दिस और ये इसकी बैक साइड। बहुत ही खूबसूरत सा स्मार्ट सा ये बैग है। सो अब इंतज़ार किस बात का है, अब भी इनकी वेबसाइट पे जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रही हूँ वेबसाइट का, साथ ही साथ आपको मिलेगा एक डिस्काउंट कोड, तो वो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उससे आपको यू नो डिस्काउंट मिलेगा आपकी परचेज पे। सो आज ही आप भी अपना फेवरेट लग्जरी हैंड बैग जो है वो ऑर्डर करें अपने फेवरेट कलर में, अपने फेवरेट स्टाइल में। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये देखिए बैग को ओपन किया, ये देखिए क्या स्टाइल है इस तरह से हमने बैग को ओपन किया। ओके, टैग बार बार बीच में आ रहा है। ओके, एंड ये देखिए ये हमने निकाला। ये इसकी एक कंपार्टमेंट और ये इसका स्ट्रैप है साथ में, और इसे भी हम निकाल लें तो ये इसकी दूसरी साइड है। और इस साइड पे ये एक अंदर एक पॉकेट दी हुई है। ये बैग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।